हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं रवा सीला की रेसिपी लेकर आई हूँ। रवा वेजिटेबल सीला बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम सीला का घोल तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कटोरी रवा लिया है। आपके पास रवा सूजी जो भी है उससे बनता है सीला, बहुत टेस्टी बनता है। तो हम इसमें रवा डाल देंगे और अच्छे से रवा बाइंडिंग करे इसके लिए हम इसमें आधा कटोरी मैदा डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा के जगह पे आप बेसन भी डाल सकते हैं, गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास घर में हो उसे डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी दही। तो ये मेरा होममेड दही है, इसे हम रवा और मैदा में डाल देंगे। अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमने अच्छे से दही के साथ रवे को घोल लिया है। अब हम इसमें सब्जी मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम गाजर डालेंगे, जिसे हमने एकदम छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट करके भी सब्जियां डाल सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा सब्जियों का क्रंच अच्छा लगता है रवा चीला में, तो हम थोड़ा बारीक बारीक काट के ले रहे हैं। ये कैप्सिकम है, इसे हम डाल देंगे। प्याज, जिंजर, अदरक, जिसे हमने छोटे छोटे काटा में ग्रेट किया है, पत्ता गोभी, बीन्स, हरी मिर्च और फ्रेश धनिया पत्ता। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद की सब्जियां और भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना सब्जियां था, हमने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कितना सुंदर कलरफुल घोल तैयार हो रहा है। तो अपना घोल अभी गाढ़ा है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1/4 ग्लास पानी डाल रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने दही के साथ रवा, मैदा, वेजिटेबल्स सबको ऐसे फेंट लिया, तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसे कवर करके फूलने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो हम कवर करके इसे रख दे रहे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए हम सीला का घोल चेक कर लेते हैं। तो हम कवर हटा देंगे। आप देख सकते हैं पहले की अपेक्षा फूली फूली लग रही है अपनी सीला की घोल, कंसिस्टेंसी तो सही है। अगर आपको गाढ़ी लगे तो पानी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे हमने एक कटोरी दही, आधा ग्लास पानी डाल के घोल बनाया था, तो परफेक्ट घोल तैयार हुआ। अब हम स्पून से इसे थोड़ा सा फेंट लेंगे। स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे, तो इसमें हम नमक डाल लेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। नमक डालने के बाद हमने अच्छे से इसे फेंटना है। 2 से 3 मिनट हम फेंटेंगे, इससे चीला का सेक बहुत बढ़िया तैयार होता है। तो हमने नमक डालने के बाद घोल को अच्छे से फेंट लिया। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने एक पैन ले लिया है, ये नॉनस्टिक पैन है। नॉनस्टिक पैन में चीला बहुत बढ़िया तैयार होता है। वैसे तो लोहे के तावा पे भी हम बना सकते हैं,
पर ये मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसी में बना रही हूँ। पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। ये बहुत कम तेल में बन के तैयार होता है तो ये हेल्दी भी कहा जाएगा। तेल को हम पैन में ऐसे फैला लेंगे। पैन गरम हो चुका है, तेल डाल दिए हैं, तेल भी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, ऐसे फैलाते हुए मस्टर्ड सीड डालेंगे। मस्टर्ड सीड चटक चुका है, अब हम उसमें घोल में से 1 चम्मच घोल लेंगे, क्योंकि 1 चम्मच को ही हम फैला के चीला का सेब तैयार करेंगे। पैन में हम डाल देंगे और धीरे धीरे हम चमचे से इसे फैला देंगे। कितना बढ़िया कलरफुल रवा शीला दिख रहा है। तो हमने घोल को अच्छे से चमचे से फैला लिया। अब हम इसे कवर करके 2 मिनट तक सिकने देंगे, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है तो अच्छे से पकना भी जरूरी है। हम कवर हटा लेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर से ये जो है ड्राई ड्राई दिखने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि नीचे का पार्ट अपना सीख चुका है, सीला टूटेगा नहीं। फिर हम स्पेचुला से इसे अच्छे से फ्लिप कर लेंगे। ये देखिए कैसे ब्राउन दाग आ गए हैं, ये चिन्हाती है अच्छे से सीला सीखने का। तो हम दूसरे साइड से 3 मिनट सेकेंगे, पर बिना कवर किए हुए सेकेंगे। दूसरे साइड से भी अपना चीला सीख चुका है, हम ऐसे सेक कर लेंगे। अब चलिए हम स्पेचुला से इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया अपना रवा चीला बनकर तैयार हुआ है। अब सेम प्रोसेस से हम बाकी के सभी चीले बना लेंगे। हमने सभी चीले को तैयार कर लिया है, तो ये लास्ट वाले चीला भी हम निकाल के प्लेट में रख दे रहे हैं। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया हमने कितनी आसानी से रवा चीला तैयार कर लिया है। इसे बनाना कितना आसान है, देखने में सुंदर, खाने में टेस्टी। तो इसे हम कभी भी बना सकते हैं, सुबह का नाश्ता हो या डिनर में भी बना सकते हैं, या शाम को चाय के टाइम में भी बना सकते हैं। कभी भी हल्की सी भूख लगी हो तो हम ये हेल्दी नाश्ता बना के ले सकते हैं। बच्चों को हम हरी सब्जियां भी अच्छे से खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।